तो उसका फोर लेग्स है, दैट इज फोर लेग ऑफ धर्म। तो अगर आप सत्य युग की बात करोगे, देर आर फोर लेग्स ऑफ धर्म प्रेजेंट, ठीक है। अगर आप त्रेता युग की बात करेंगे, वहां पर थ्री लेग्स ऑफ धर्म, मतलब 75% इज धर्म। अगर हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो नवांश के ऊपर है। आज का वीडियो में हम स्पेसिफिकली नवांश का जो 8th हाउस है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे नवांश एंड युगो साइकिल का कैसे कोरिलेशन है। हमारा जो युगो साइकिल्स है, जैसे कि सत्य युग हो गया, त्रेता, द्वापर, कली युग, वो युगो साइकिल का नवांश के साथ क्या रिलेशन है, ये सब चीज आज का वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो, देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज यू विल गेट मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग वीडियो इन माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं नवांश का जो 8th हाउस है। देखिए 8th हाउस इन जनरल अगर हम बात करेंगे तो दैट इज द, अगर नेचुरल जोड़ी की बात करेंगे देन दैट इज द स्कॉर्पियो साइन, व्हिच शोज योर ओन फॉल्ट्स, निज दोष। स्कॉर्पियो साइन की अगर बात करेंगे, ये जगह पर आप देखोगे यू आर फेसिंग योर इमोशनल फियर्स। आप अपना जो इमोशनल फियर है उसको वहां पर फेस करते हो, जैसे कि अपनों को खो जाना, लाइफ आफ्टर डेथ, जो आपका सबसे प्यारा चीज है उसको अगर कोई ले जाएगा तो क्या होगा, दीज आर ऑल इमोशनल फियर। योर किड्स, योर फादर, मदर, स्पाउस, दीज ऑल आर इमोशनली यू आर कनेक्टेड विद दोस थिंग। तो स्कॉर्पियो साइन में यू आर एक्सपोजिंग टू दैट इमोशनल फियर। अगर वो नहीं तो आप कैसे बचोगे, अगर आपका प्रोफेशन नहीं है तो आप कैसे रहोगे। दिस ऑल आर यू आर अटैच्ड विथ योर प्रोफेशन इमोशनली, यू आर अटैच्ड यू विथ योर फैमिली इमोशनली। तो स्कॉर्पियो साइन में वी आर एक्सपोजिंग टू दैट, ठीक है। तो स्कॉर्पियो जो नेचुरल 8th हाउस है, वी आर इन दैट साइन, वी आर एक्सपोजिंग टू दैट इमोशनल फियर ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राशि चार्ट में 8th हाउस। नवांश चार्ट में 8th हाउस क्या शो करता है, देखिए नवांश चार्ट हम स्पेसिफिकली मैरिज के लिए यूज करते हैं। व्हाई? बिकॉज इट इज द गेन ऑफ योर धर्मा। नवांश नाइन्थ, नवांश जो चार्ट है, नाइन्थ नाइन्थ हाउस को हम नाइन पार्ट करके उसके अंदर देखते हैं। बट बेसिकली व्हाई, व्हाट इज यू आर गेन बाय फॉलोइंग द धर्मा इज, अगर आप 11th हाउस फ्रॉम 9th हाउस देखोगे तो इट इज 7th हाउस, सो दैट इज मैरिज। तो नवांश चार्ट हम मैरिज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एंड नवांश चार्ट में आप देखोगे 7th हाउस इज शोज योर स्पाउस, ओके। एंड 8th हाउस इज सेकेंड फ्रॉम 7th हाउस, दैट इज मार्क ऑफ फॉर योर मैरिज। इन जनरल अगर हम बात करेंगे तो नवांश का 8th हाउस शोज कार्मिक डेब्ट्स, व्हाट यू आर हैविंग, बिकॉज आप देखोगे नवांश में केंद्र हाउसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि लग्न एंड लग्न ट्राइन्स सिग्निफाइज यू। उस तरह 7th एंड 7th का जो ट्राइन हो गया सिग्निफाइज योर स्पाउस। 10th हाउस योर प्रोफेस, योर व्हाट यू कैन से, इट इज द हाउस ऑफ लक्ष्मी। योर ऑल मनी मैटर वी कैन एबल टू नो बाय जस्ट एनालाइजिंग द 10th हाउस ऑफ द नवांश, 2, 6, 10th, दैट इज द अर्थ ट्राइन, एंड 4th, 8th, एंड 12th आर मोक्ष ट्राइन्स। सो 8th हाउस शोज योर कार्मिक डेट, बिकॉज ऑनलेस आप आपका कार्मिक डेट जब तक खत्म नहीं करते हो, यू आर नॉट गोइंग टू गेट मोक्ष। सो 8th हाउस इन नवांश रियली शोज कार्मिक डेट, एंड प्लैनेट इन 8th हाउस ऑफ नवांश कैन एबल टू ब्रेक मैरिजेस, बिकॉज इट इज सेकेंड फ्रॉम 7th हाउस, मार्क फॉर योर स्पाउस। तो 8th हाउस इन नवांश इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट शोज योर कार्मिक डेप्थ। जैसे कि 8th हाउस इन राशि चार्ट शोज योर इमोशनल फियर्स। आपका इमोशनल फियर क्या है,
उसी तरह एथ हाउस इन नवांस शोज द कार्मिक डेप्थ. व्हाट आर द कार्मिक डेप्थ यू आर हैविंग. ठीक है, अभी चलते हैं युगो साइकिल की बात करते हैं. जैसे कि सत्य युग, तृतीय युग, द्वापर युग, कलि युग. देखिए युग साइकिल टाइम का डिफरेंट लेवल्स है. ठीक है, सत्य युग अगर बात करेंगे वहां पर आप देखोगे धर्म 100% था. जो आप देखोगे लॉर्ड शिव जी के मंदिर में एक वृषभ होते हैं, वृषभ होते हैं, तो उसका फोर लेग्स है, दैट इज फोर लेग ऑफ धर्मा. तो अगर आप सत्य युग की बात करोगे देर आर फोर लेग्स ऑफ धर्मा प्रेजेंट. ठीक है, अगर आप त्रेता युग की बात करेंगे वहां पर थ्री लेग्स ऑफ धर्मा, मतलब 75% इज धर्मा. अगर हम द्वापर युग की बात करोगे देन इट इज 50% ऑफ धर्मा, टू लेग्स ऑफ धर्मा. जब हम कलि युग की बात करेंगे दैट इज ओनली वन लेग ऑफ धर्मा. तो अगर आप लॉर्ड शिव जी के मंदिर में देखोगे तो वहां पर जो वृषभ होगा उसका पीछे का राइट साइड लेग बाहर होगा, बाकी तीनों लोग को आप देख नहीं सकोगे, बिकॉज इन कलि युग देयर इज ओनली वन लेग ऑफ धर्मा. उसको आप नवांश में कैसे यूज करोगे, आप देखिए नवांश में जितना फायरी साइन है, जैसे कि एरिस हो गया, लियो हो गया, सजिटेरियस हो गया, मेष, सिंह एंड धनु, ये राशि में राशि शोस द सत्य युग. ये तीन साइन सो सत्य युग. ठीक है, जितना वाटरी साइन है जैसे कि कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, ये तीन शोस त्रेतय युग. ठीक है, उसके बाद आ गया एरी साइन, जैसे कि हो गया आपका जेमिनी वाला साइन, लिब्रा वाला साइन, एक्वेरियस वाला साइन, ये हो गया आपका द्वापर युग. एंड फाइनली जितना एर्दी साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर, ये जो तीन एर्दी साइन से दी शोस कलियुग. एंड कैप्रिकॉर्न इज द मोर प्रोमिनेंट कलियुग. तो हाउ टू यूज दिस कॉन्सेप्ट इन योर प्रेडिक्शन. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज दैट अगर आप देख रहे हो इफ प्लैनेट्स आर इन फायरी साइन इन डी नाइन, आप देख रहे हो प्लैनेट्स अगर फायरी साइन डी नाइन में है दे ट्राई टू प्रोटेक्ट धर्मा, बिकॉज देर आर फोर लेग्स ऑफ धर्मा इन दी सत्य युग. तो आप देख रहे हो अगर प्लैनेट्स इन आर इन फायरी साइन ऑफ डी नाइन तो दोज प्लैनेट रियली ट्राई टू प्रोटेक्ट दी धर्मा 100%. अगर आप देख रहे हो वाटरी साइन में डी नाइन में, अगर वाटरी साइन में डी नाइन में आप देख रहे हो कि प्लैनेट से दे आर इन तृतीय युग, दे ट्राई टू प्रोटेक्ट द धर्मा 75%. सत्य युग में अगर कोई प्लैनेट है, फायरी साइन में कोई प्लैनेट है डी नाइन में, देन दे ट्राई टू प्रोटेक्ट द धर्मा 100%. अगर तृतीय मतलब वाटरी साइन में अगर कोई प्लैनेट है दे ट्राई टू प्रोटेक्ट द धर्मा 75%. अगर आप देख रहे हो जैसे कि एरी साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में अगर कोई प्लैनेट डी नाइन में है आपका चार्ट में, दे ट्राई टू प्रोटेक्ट द धर्मा 50%. एंड फाइनली जब अगर आप देख रहे हो टॉरस में, वर्गो में या कैप्रिकॉर्न में अगर कोई प्लैनेट है डी नाइन में आपका चार्ट में, दे ट्राई टू प्रोटेक्ट द धर्मा ओनली 25%. तो अगर आप देख रहे हो किसी के चार्ट में ऑलमोस्ट ऑल द प्लैनेट्स, मान लीजिए पांच प्लैनेट डी नाइन में फायरी साइंस में, देन द नेटिव इज रियली ट्राई टू प्रोटेक्ट द धर्मा, वो हमेशा धर्म की बात करेगा. अगर मेजर सिग्निफिकेंट प्लैनेट जैसे कि आत्मा कारक हो गया, लग्न लॉर्ड हो गया, अगर वो फायरी साइन में रहेंगे देन दे ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट द धर्मा. सेम कॉन्सेप्ट यू कैन अप्लाई इन द दशा. अगर आप देख रहे हो एक अच्छा बंदा है बट द प्लैनेट मतलब धार्मिक बंदा है, बट आप देख रहे हो प्लैनेट दो दशा अंतरदशा में अगर एर्दी साइन डी नाइन वाला चलेगा, देन दे इन दैट टाइम पीरियड दे विल नॉट ट्राई टू प्रोटेक्ट दी धर्मा. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ युगो साइकिल इन नवांस. आपका जो युगो साइकिल हो गया सत्य, तृतीया, द्वापर, कली, ये युगो साइकिल का नवांस का कॉन्सेप्ट यही है. देन कम्स टू द
व्हाट वी कैन डू इफ यू आर हैविंग प्लैनेट इन द एथ हाउस ऑफ नवांस। अगर आप देख रहे हो आपका चार्ट में नवांस का एथ हाउस में कार्मिक डेप्थ है, अगर कोई प्लैनेट है वहां पर कार्मिक डेप्थ है, देन आप क्या करोगे, कौन सा चीज करने से आप वो कार्मिक डेप्थ से निकल सकते हो। एंड द मेथड इज टू डू अष्टाक्षरी मंत्रा, अष्ट अक्षरी मंत्रा। अगर आप ए साइवर मंत्रा रिलेटेड टू दैट प्लैनेट अगर आप चांट करते हो, देन यू कैन एबल टू गेट ओवर दैट कार्मिक डेप्थ। ओके, देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जे एड साइवल मंत्रा को यूज करके आप D9 का एथ हाउस में अगर कोई प्लैनेट है वो कार्मिक डेप्थ से बाहर निकल सकते हो। एंड सबसे अच्छा मंत्र होगा गायत्री मंत्रा। अगर गायत्री मंत्रा करते हो देन इट इज एड साइवल मंत्रा इनटू, आप देखोगे गायत्री मंत्रा में एड साइवल वाला 3 स्टेप्स है, जैसे कि तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदया। तो आप देखोगे यहां पर 8 8 8 3 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स शो करता है भूलोक भूवलोक और स्वलोक के लिए। ये जो 3 लोक है ये लोक के लिए 3 स्टेप्स है। एंड वी कैन से दैट दिस इज द 3 स्टेप्स ऑफ लॉर्ड विष्णु। जो वामन अवतार में लॉर्ड विष्णु 3 स्टेप्स लिए थे, दीज आर दी 3 स्टेप्स, गायत्री मंत्र का 3 स्टेप्स, एक भूलोक के लिए, एक भूलोक के लिए, एक स्वलोक के लिए। तो आप देखिए सबसे अच्छा रिमेडी होगा अगर एथ हाउस में अगर कोई प्लैनेट आपका D9 में है, देन यू कैन डू द गायत्री मंत्र रिलेटेड टू दैट प्लैनेट, नहीं तो इन जनरल यू डू गायत्री मंत्र। तत् सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया। दीज आर दी 3 स्टेप्स दैट विल रियली हेल्प टू नॉलिफाई और गेट रीड ऑफ ऑल आवर कर्मा रिलेटेड टू द एथ हाउस ऑफ नवांस। कार्मिक डेप्थ, दी कार्मिक डेप्थ हम जो लेके घूम रहे हैं उससे बाहर निकालने के लिए ये गायत्री मंत्र विल रियली हेल्प। दी ओनली वे इज टू डू द मंत्र एड साइवल मंत्र टू गेट रीड ऑफ कार्मिक डेव। और कोई भी मंत्र कर सकते हो अगर वो गायत्री छंद में है। आप देखोगे मंत्र साथ में बहुत सारा छंद के बारे में लिखा गया है, वहां पर अगर आप कोई मंत्र एथ हाउस, मान लीजिए एथ हाउस में किसी का शुक्र है, तो आप शुक्र रिलेटेड कोई भी मंत्र कर सकते हो जो भी गायत्री छंद में होगा। ठीक है, आप देखोगे छंद्र शास्त्र में जाओगे तो देर आर वेरियस छंद्र, जैसे कि अनुष्टुप छंद, गायत्री छंद। गायत्री छंद्र आर एट साइवल मंत्र, एट साइवल इनटू 3 लेवल्स मंत्र, जैसे कि तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। लंबोदराय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इसी तरह आप देखोगे गायत्री मंत्र में जितना भी मंत्र होगा दे आर 8 into 3 लेवल मंत्र, मतलब एट साइवल का 3 लेवल्स रहेगा। एंड ईच लेवल इज फॉर भूलोक भूगोलोक एंड स्वलोक। एंड वी कैन से दैट दिस 3 स्टेप्स, दी 3 लेवल्स आर 3 स्टेप्स ऑफ लॉर्ड विष्णु, व्हाट लॉर्ड विष्णु हैज टेकन इन द फॉर्म ऑफ वामन अवतार। सो फ्रेंड्स, अगर आपको, आप देख रहे हो किसी के चार्ट में एथ हाउस में कोई प्लैनेट है, देन रियली द प्लैनेट इज ब्रिंगिंग द कार्मिक डेप्थ फ्रॉम द पास्ट लाइफ। एंड दी ओनली वे टू गेट आउट ऑफ दिस कार्मिक डेप्थ इज यूज मंत्र ऑफ एड साइवल, और गायत्री मंत्र आप यूज कर सकते हो, और एनी मंत्र रिलेटेड टू दैट प्लैनेट इन गायत्री छंदा। आप गायत्री को यूज करने से, आप गायत्री छंद या गायत्री मंत्र या एड साइवल मंत्र को यूज करने से ही कार्मिक डेप्थ जो है उससे बाहर निकल सकते हो। फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट युगो साइकिल एंड प्लैनेट इन एथ हाउस ऑफ नवांस। होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।